नाउ आई एम नॉट एबल टू मूव माई फेस, रेडनेस हो गई है, सो नाउ आई नीड टू काम माई स्किन डाउन. हेलो ब्यूटिफुल, वेलकम और वेलकम बैक. आई होप यू डूइंग रियली रियली वेल एंड वेलकम बैक टू आर न्यू सीरीज वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट वायरल स्किन केयर और उनके रिव्यूज. सो आज हमारे पास है ये एजटेक सीक्रेट इंडियन हीलिंग क्ले. काफ़ी टाइम से मैंने लिया हुआ था. आई गॉट इट फ्रॉम Amazon. इट्स बीन आई थिंक मोर देन अ ईयर सिंस आई गॉट इट, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था इसका रिव्यू देने का, बट फाइनली आई एम हेयर. सो वी गोना बी टॉकिंग अबाउट दिस क्ले मास्क. वी गोना टेस्ट इट, वी गोना सी वेदर इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह की ये जम्बो टब पैकिंग में आता है, 454, लाइक 450 ग्राम की ये क्वांटिटी है. एंड दिस में रिटेल फॉर 999 रुपीज़, लाइक 1000 रुपीज़ के आसपास का. और मुझे कुछ 10-20% के ऑफ पे मिला था अमेजोन से. इसे इट्स वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल फेशियल फॉर डीप पोर क्लेंजिंग, क्योंकि इसके अंदर डला हुआ है 100% नेचुरल कैल्शियम बेंटोनाइट क्ले. नो इफ यू हैव बिन फॉलोइंग मी, मैंने बहुत बार आपको बोला है कि जब भी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन की बात आती है, यू नीड टू लुक फॉर क्ले मास्क और ऐसे क्ले मास्क जिनके अंदर ये दो क्ले डले हों, या तो बेंटोनाइट या फिर खायोलिन, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और द बेस्ट क्लेज हैं जो आपका जो एक्सेस ऑयल है, सिबम है, उसको खींच के स्किन से बाहर निकालते हैं, आपके ऑयल को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं. और आपकी स्किन अगर सुपर ऑयली है तो उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प ये करते हैं. इसके अंदर कैल्शियम बेंटोनाइट डला हुआ है 100%. उसके अलावा इसके अंदर कोई भी और चीज़ नहीं डली हुई है. फेशियल की बात करें तो इट्स नॉट अ रेडी मेड क्ले मास्क, यू हैव टू डू अ DIY, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में आता है. तो आपको इसको या तो ये सजेस्ट करते हैं, या तो आप इसको एप्पल साइडर विनेगर में डाल के बना लें, या रोज़ वाटर में, या प्लेन वाटर में भी आप इसको बना सकते हो. मैंने एप्पल साइडर विनेगर में इसको ट्राई नहीं किया है. मैंने इसको 2-3 बार प्लेन वाटर में ट्राई किया है और 2-3 बार मैंने इसको रोज़ वाटर में ट्राई किया है, बट मैंने इसको प्योर 100% स्टीम डिस्टिल रोज़ वाटर में ट्राई नहीं किया है. मैंने इसको हमेशा ही ये आयुगा का चंदनम एंड रोज़ वाटर टोनर फेशियल मिस्ट है, इसके साथ ही मैंने इसको बनाया है, बिकॉज इट्स नॉट 100% प्योर स्टीम डिस्टिल रोज़ वाटर. इसके अंदर और बंच ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स डले हुए हैं, तो जो इसका एक्सेस ड्राइनेस होती है उसको ये कमबैक करने में हेल्प करता है, और थोड़ा सा एक फ्रेग्रेंस भी अच्छा सा आ जाता है चंदन और रोज़ वाला. तो आई ऑलवेज़ मिक्स दिस वन टुगेदर, लाइक अब मैं वाटर नहीं ऐड करती, मैं इसी को इसमें ऐड करके देन आई अप्लाई इट ऑन माई फेस. मास्क बनाने के लिए आपको हार्डली जो टीस्पून होता है वो 1 टीस्पून इज मोर देन सफिशेंट फॉर यू. एंड देन ऐड रोज़ वाटर, अच्छे से आपको मिक्स करना है. एंड जब वो स्मूथ पेस्ट बन गई है देन आपको इसको अप्लाई करना है फेस पे. देन आप इसको रखना है 10-15 मिनट्स. अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है देन आपको सिर्फ 5 मिनट्स के लिए इसको अप्लाई करना है. अगर आपका स्किन सुपर सेंसिटिव नहीं है तो आप इसको 10-15 मिनट्स भी रख सकते हो. लाइक वंस इट्स कम्प्लीटली ड्राई देन आप इसको वॉश ऑफ कर सकते हो. बट द प्रॉब्लम विद दिस वन इज़ कि जब ये ड्राई होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका जो स्किन है वो ऐसे पत्थर बन गया है, और ज़रा सा अगर आप मूवमेंट करते हो तो ऐसा लगता है कि आपकी स्किन टूट जाएगी. सो ये मुझे 5 मिनट्स हो गए हैं और ये हल्का हल्का सा ना ड्राई हो रहा है, और मैं इससे ज़्यादा ना अपने लिप्स इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं मैं कर पा रही हूँ, और ऐसा लग रहा है कि जैसे देखो ना, जैसे ये बीच में जैसे मैंने थोड़ा सा मूवमेंट किया था ये फट रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्किन ना ऐसे पत्थर की तरह से गिरने वाली है. इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल. नाउ आई एम नॉट एबल टू मूव माई फेस, आई एम गोना जस्ट वॉश इट ऑफ. बट एज यू कैन सी यहाँ पे भी हल्का भी ड्राई कम्प्लीटली नहीं हुआ है, बट एज सच मेरे हाथ में नहीं लग रहा है, तो आई एम गोना वॉश इट ऑफ. एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, बट आई लाइक टू डू इज आई ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड देन आई मसाज इट. डैड ये स्मूथली निकल जाए. सो नाउ इट्स कम्प्लीटली ऑफ फ्रॉम माई फेस, बट एज यू कैन सी रेड मार्क्स आपको दिख रहे होंगे नेक पे भी, और रेडनेस हो गई है. सो नाउ आई नीड टू काम माई स्किन डाउन.
जब जब मैं इसको यूज़ करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय इसको नहीं कर पाती हूँ, बट येट आई नो इट्स अ वेरी पावरफुल क्ले मास्क और काफ़ी अच्छे से डीप क्लीनिंग आपके फेस की कर देता है. सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु कैन टॉलरेट दैट स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची पेनफुल वाला पेन, यू कैन गो फॉर दिस वन. अदरवाइज आई फील मार्केट में और बहुत ज़्यादा बेटर क्ले मास्क अवेलेबल हैं. यू कैन यूज़ बॉडी शॉप का आता है टी ट्री क्ले मास्क, परफेक्ट फॉर एक्ने प्रोन स्किन. डॉक्टर शेथ हैज़ सल्फर वाला मास्क, उसमें आपको सल्फर भी मिलता है, बेंटोनाइट काइलिन दोनों मिल रहे हैं. नाइका के क्ले इट कूल वाले मास्क हैं, वेरी अफोर्डेबल, 500 की रेंज में आते हैं. समटाइम यू गेट दम एट 50% का ऑफ, आपको 300-350 के आसपास वो पड़ जाते हैं. इनेसफ्री का आता है जेजू वॉल्केनिक पोर क्ले मास्क 2x वाला, आप उसकी तरफ जा सकते हो. बॉडी पे भी मास्किंग करते हो देन आई थिंक ये वाली जो क्वांटिटी है ये ज़्यादा बेटर रहेगी, इंस्टेड ऑफ 50 ग्राम एंड 100 ग्राम. अगर आप वो अनकम्फर्टेबलनेस बर्दाश्त कर सकते हो देन यू कैन गो फॉर दिस वन. यू आर स्कैर्ड तो मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी बेटर ऑल्टरनेट्स आपको बता दी हैं, यू कैन गो फॉर देम एज वेल. बट येस फ्रॉम माई स्टाइल आई वुड से इट्स 50-50 प्रोडक्ट. अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मुझे नहीं देता तो आई वुड से कि हाईली रिकमेंडेड, आई विल गिव दिस 10 out of 10. बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेची फील और बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है ये फेस पे, तो आई विल गिव इट 5 out of 10. या गाइज, दैट वॉज माई एक्सपीरियंस ऑन दिस मोस्ट फेमस क्ले मास्क. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.